नमस्कार दोस्तों, सनी देओल की अपकमिंग मूवी गदर 2 को लेकर तुषार कपूर ने ऐसा किया कह दिया, जिसे सुनकर पूरे बॉलीवुड में हलचल मच चुकी है और सनी देओल बहुत हमें उदास नजर आ रहे हैं। तो क्या खबर की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, सनी देओल की गदर 2 मूवी का पहला पार्ट जो गदर 1 2001 में आया था, जिसने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसने लगभग 140 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर के ब्लॉकबास्टर हो गई। और अब इसके डायरेक्टर अनिल शर्मा इसी का पार्ट 2 ला रहे हैं, यानी गदर 2। और बताया जा रहा है कि इसमें एक गदर 1 से भी ज़्यादा खतरनाक एक्शन और डायलॉग होंगे, जिसे सुनकर फैंस बहुत ही उत्सुकता से भर चुके हैं। और खबर आ रहा है कि इस मूवी का बजट 500 से 600 करोड़ होगा, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट की मूवी रहेगी। ये बात तो पक्का है कि यह मूवी ब्लॉकबास्टर होगी, क्योंकि इस मूवी के सपोर्ट में सारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड के सुपरस्टार और साउथ के सुपरस्टार हैं। और यह एक ऐसी मूवी है जिसे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंतज़ार है, जिससे यह पता चलता है कि यह मूवी ब्लॉकबास्टर होगी। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मूवी को फ्लॉप करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और इसी को लेकर तुषार कपूर ने कहा कि यह मूवी ब्लॉकबास्टर होगी, जिसे सुनकर सनी देओल बहुत ही खुश नज़र आए हैं। और आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।